वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ईमान अफरोज बयान सुनने के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबुवत का ऐलान किया, हुजूर के हाथों के मौजज़े, क्या दिल लग रहा है आपका, हुजूर के हाथों का मौजज़ा। हुजूर ने नबुवत का ऐलान किया, जब नबुवत का ऐलान किया तो मक्के वाले मुखालिफ हो गया, आप सब जानते थे अच्छी तरह, बहुत मुखालफत का जोर जोरा था। मक्के वालों ने आज से पहले किसी नबी की जिंदगी को जो है वो मुकम्मल तौर पे पढ़ा नहीं था, उनको बहुत ज्यादा मालूमात नहीं थी नबी के हवाले से। उनको इतना पता था कि हमारे बाप दादा नबी थे इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, लेकिन उनको बहुत ज्यादा मालूमात नहीं थी नस्लन बादा नस्लिन, जो बातें पता थी वही, और अक्सर को उन्होंने भुला दिया था। ऐसे में बहुत सारी बातें हुई, मक्के वालों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन हर मामले में वो जो है वो जेर हो गए। ऐसे में मक्के वालों ने आपस में मशवरा किया कि एक काम करना चाहिए, जो नबूवत के मुतालिक मालूमात ज़्यादा रखता हो उसको बुलाया जाए और इनके सामने बिठाया जाए और इनसे बातें की जाए। तो अबू जहल ने कहा कि यमन में मेरा एक दोस्त है और उसका नाम हबीब है, मैं हबीब को ख़त लिखता हूँ और कासिद को रवाना करता हूँ, कासिद जाएगा तेज़ रफ्तार कासिद जाएगा और वो वापस आएगा, वो आने के बाद जो है वो फिर उसको लाएगा और हबीब मेरा दोस्त तो आएगा, वो बहुत होशियार है, वो बहुत चालाक है, वो बहुत जो है अकल वाला है, अच्छे अच्छों की उसके सामने बात करने की हिम्मत नहीं होती और वो बातों के दाव पेच में लोगों को ऐसा उलझा देता है कि आसानी के साथ कोई उसकी बात उससे बात नहीं कर पाता है। अल्लाह अकबर। फिर अबू जहल ने अपने दोस्त को जिसका नाम हबीब था उसको खत लिखा। हबीब को जैसे खत मिला, हबीब ने खत पढ़ा, खत में यह लिखा था, मेरे दोस्त पुरानी तेरी मेरी दोस्ती है, हमें एक मुश्किल आन पड़ी है, इस मुश्किल में हमारी मुश्किल को दूर कर आ, तुझे बहुत ज्यादा जो है मालूमात है नबी और नबूवत के बारे में, आ करके इससे बात कर, हमारे यहां एक शख्स है, हमारा ही रिश्तेदार है, उसका नाम मोहम्मद है, उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। सारी बातें उसने लिखी और लिखने के बाद कहा जल्दी से आओ और आ करके उसको ऐसा फंसाओ कि वो तुम्हारी बातों का जवाब न दे सके और वो जामिदो साकित हो जाए, वो लाजवाब हो जाए, ताकि फिर हम पूरे मक्के में उसके मिशन को खत्म कर दें। जैसे ही हबीब के पास जो है वो खत पहुंचा, हबीब ने उसी वक्त उस तेज रफ्तार कासिद के साथ एक तेज रफ्तार सवारी ली और वो सीधे मक्का आया। और मक्के में जब आया तो पूरे मक्के में जश्न का माहौल था, पूरे मक्के में खुशियों का माहौल था। हबीब आया, इतना चतुर चालाक इंसान आया कि बड़े बड़ों को वो अपनी बातों के दाव पेच में फंसा लेता है, उसके सामने कोई बात नहीं कर पाता। अगर कोई जो है वो शायरी में बात करे तो हबीब शायरी में जवाब देता है, कोई लफ्जों में बात करे, नसर में बात करे तो वो नसर में जवाब देता है, कोई सियासत की करे तो वो सियासत की, रियासत की करे तो रियासत की, मजहब की करे तो मजहब की, वो सारी बातों को जानता है, बहुत होशियार है हबीब। हबीब आ गया है, अब मोहम्मद अरबी को वो लाजवाब कर देगा, लेकिन याद रखे हक हक होता है। हबीब आया, शाम का वक़्त था, शाम के वक़्त हुजूर को इत्तला दी गई, एक बंदा आया है, क्या आप इससे गुफ्तगू कर सकते हैं? हुजूर ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, कौन क्या बात करना चाहता हो? क्योंकि हम अपनी ज़बान में कहते हैं हाथ कंगन को आरसी, क्या जब सिक्का खड़ा होता है तो कहीं भी उछालो खन से बचता है। हुजूर ने कहा ठीक है चलो बात करते हैं। सारे मक्का के बड़े बड़े गुंडे, सारे मक्के के बड़े बड़े ओबाश आज दिलों के अंदर फुदक रहे थे कि हम मोहम्मद अरबी के सामने ऐसे को लाए हैं कि जवाब हो जाएंगे मोहम्मद अरबी। लेकिन कुर्बान मेरे इमाम ने कहा फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में जबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान ही। अल्लाह अकबर। हबीब सामने आया, सामने आने के बाद शाम का वक्त है और इत्तेफाक से चौदहवीं का चांद पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है, चौदहवीं शब है, चांद की दूधिया दूधिया रोशनी मक्के की जमीन पर पड़कर मक्के के रेगजारों को जो है दूधिया रोशनी से जगमगा रही है। वो दूध या रोशनी जब मेरे नबी के चेहरे पे पड़कर वहां से नूर हासिल करती है तो देखने वाले पता नहीं कर पाते कि रोशनी उधर से आ रही है या इधर से जा रही है, रोशनी उधर से आ रही है या इधर से जा रही है। क्यों चांद से तशबीह देना, यह भी कोई इंसाफ है? चांद पर तो दाग है और उनका चेहरा साफ है। अल्लाह अल्लाह। हबीब यमनी ने कहा ए मोहम्मद अरबी, मैंने सुना है कि आपने दावे नबुवत किया है, आपने दावी
کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. جب میرے کریم آقا نے کہا تو حبیب نے کہا اے محمد عربی میرے دو سوال ہیں، ایک سوال میں پہلے کروں گا اور اس کے بعد دوسرا سوال اس سوال کا جواب ملنے کے بعد کروں گا. ہائے ہائے میرے نبی کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں؟ میرے سرکار نے کہا بولو پہلا سوال تمہارا کیا ہے؟ اس نے کہا اے محمد عربی یہ جو چاند چمک رہا ہے اگر اس چاند کے تم دو ٹکڑے کر دو، میرا پہلا سوال یہ ہے، اس چاند کے دو ٹکڑے کر دو تو ہم دوسرا سوال کریں گے اور وہ بھی پورا کر دیا تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے، تمہاری نبوت کا اقرار کر لیں گے. اس لیے کہ جو جادوگر ہوتا ہے، جادوگر لوگوں کی نظروں پہ جادو کر سکتا ہے، جادوگر جو ہوتا ہے وہ لوگوں پر جادو کر سکتا ہے، جادوگر جو ہوتا ہے وہ زمین کی چیزوں پہ جادو کر سکتا ہے، لیکن کتنا بھی بڑا جادوگر ہوگا جادو کسی کا آسمان پر اثر نہیں کر سکتا، آسمان کی چیزوں پہ اثر نہیں کر سکتا. تو اگر تم نبی ہو تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ. میرے نبی نے مسکرایا اور کوئی توقف نہیں کیا، حضور نے کوئی رکے نہیں، بلکہ حضور جو ہے پہاڑ پر چڑھے. اس پہاڑ کا نام جبل ابو قبیس ہے. ابو جہل دلی دل میں خوش ہو رہا تھا، اتنا مشکل سوال کر دیا، اتنا ہوشیار ہے میرا دوست حبیب، حبیب یمنی کتنا ہوشیار ہے کہ اتنا مشکل سوال کیا، ابھی محمد چپ ہو جائیں گے. حضور مسکرائے، جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے، مکے کے سارے لوگوں کی نظریں چاند کی طرف ہوئی، میرے نبی نے اشارہ کیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حضور کے ہاتھ کا معجزہ، معجزہ کوتا، حضور کے ہاتھ کا، یہ آج کی نششت کا ہے حضور کے، یہ آج کی، ورنہ حضور کے ہاتھ کے معجزات گناؤ رات ختم ہوگی، بات ختم نہیں ہوگی. چوتھا معجزہ، اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا. راوی کہتے ہیں چاند کا ایک حصہ جبال ابو قبیس کے ادھر دکھتا تھا، ایسا نہیں جو کیلنڈروں میں اور تصویروں میں بتایا جاتا ہے کہ بس اتنا نہیں، اتنا نہیں کیا، حضور نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، اور ایسے نہیں کہ دونوں یوں رہے اور اتنی سی لکیر بن گئی، نہیں. حضور جانتے تھے مکے والوں میں بہت سے چٹنگ باز لوگ ہیں، یہ جلدی سے مانیں گے نہیں. ٹکڑے کر کے اتنی دور کیا کہ چاند کا آدھا ٹکڑا جہوت پہاڑ کے اس طرف نظر آیا، اور چاند کا دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آیا، یعنی دور دور ہو گئے. مکے والوں کی آنکھیں پٹی کے پٹی رہ گئی، حضور نے چاند کے دو ٹکڑے کیے. باز کی تو حالت یہی پہ خراب ہو گئی، سوچا کہ پہلا اتنا مشکل تھا، اب دوسرا اس سے مشکل نہیں ہو سکتا. تو لوگوں نے کہا محمد نے چاند پہ بھی جادو کر دیا. حضور نے فرمایا چاند پہ تم نے ابھی کہا نا کہ آسمان کی چیزوں پہ جادو نہیں ہوتا، اور اگر تم کو یوں لگتا ہے کہ میں نے چاند پہ جادو کیا یا لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا، تو جو لوگ جنگل میں سفر پر ہیں وہ جب آ جائیں گے تو ان سے پوچھنا کہ چاند ٹکڑے نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ تو حضور کا معجزہ ہے. پوری دنیا میں جن جن لوگوں نے اس وقت آسمان کو دیکھا، اس وقت جس نے آسمان کو دیکھا اس کو چاند کے ٹکڑے نظر آئے، بلکہ ہندوستان میں جو اسلام سب سے پہلے آیا، یعنی راجہ بھوج جو ہے اسلام جس نے قبول کیا، یا عبداللہ شاہ چنگال نے جو ہے وہ جو اسلام قبول کیا، اس کی وجہ کیا بنی بتائے؟ وہ اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، باغ میں بیٹھے ہوئے اس نے ہندوستان میں دیکھا، غیر منقسم ہندوستان میں ہندوستان کے راجہ نے، اس نے کہا او دیکھو 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 چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے اپنے نجومیوں کو، جادوگروں کو بلایا، کہا یہ چاند اچانک دو ٹکڑے کیسے ہوا؟ کہا چاند پہ جادو نہیں ہو سکتا، مکے میں ایک محمد نام کا پیغمبر ہے جس کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس نے یہاں سے قافلہ بھی بھیجا، اس نے یہاں سے قافلہ بھی بھیجا، وفد بھی بھیجا، اس کی تفصیل الگ ہے، ابھی وہ نہیں بتاؤں گا. اچھا ایک بات، چوتھا معجزہ چاند کے اشارہ کر کے ٹکڑے کیے، صرف ٹکڑے ہی نہیں کیے، پھر اشارہ کیا تو وہ جڑ بھی گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کتنے معجزے ہو گئے؟ پانچ. ایک توڑنا نا، ایک جوڑنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توڑا بھی، جوڑا بھی. اگر نہ جوڑتے تو آج تک روزانہ دو چاند نکلتے، بے شک، بے شک. اگر حضور نہ جوڑتے بے شک تو روزانہ دو نکلتے، لیکن جوڑ کر ایک کر دیا. کتنے ہو گئے؟ پانچ.
अब छठा हाथ का मौजजा क्या, हालांकि ये एक मौजजा नहीं, ये दर्जनों मौजजात की जंजीर है, लेकिन मैं उसको शुमार नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ हाथ के जो हाथ से मुतालिक है हुजूर के वो बता रहा हूं, जो हाथ से मुतालिक है वो बता रहा हूं। अब जो हबीब था वो देखो, कुछ लोगों को जो अल्लाह अकल देता है ना वो हक कबूल करते, कुछ जो जिद्दी हटदरम होते हैं वो कबूल नहीं करते, लेकिन जो जो लोग सच्चे होते हैं वो कबूल करते हैं। हबीब ने देखा ना कि एक एक मेरा सवाल पूरा हो गया। अब तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, बच्चों ए बेटा चुप रहो थोड़ा सा है? लोग कहते हैं कि बच्चों को आगे नहीं बैठने देना, मैं कहता हूं लेकिन नहीं बैठने दो, ये अपना मुस्तकबिल है, ये सुनेंगे तो कल इनको याद रहेगा। दो चार बच्चे बदमाश दिखते हैं, बाकी सब बच्चे अच्छे हैं, लेकिन ये भी मुकम्मल बदमाश नहीं है, थोड़े से है। अगर मना कर दें तो अभी चुप हो जाएंगे, अभी नहीं करना बात, ठीक है ना बेटा? हुजूर का जिक्र सुनो मेरे बच्चों, तुम्हारी तकदीरें संवरेगी, बड़े होकर तुम भी बहुत बुलंद बनोगे। हुजूर का जिक्र सुनो, ये जो आजकल हम लोग बोलते हैं ना ये, हम अपने बचपने से उलमा की तकरीर सुनने जाते थे, बल्कि हमारा बचपना इसी तरह गुजरा है कि हमने कभी इट्टी डंडू नहीं खेला, कचोलियां नहीं खेली, हमारा खेल अल्हम्दुलिल्लाह ये था। मेरे जो बचपन के दोस्त हैं वो जानते हैं, रात को मौलाना की तकरीर जो हमारे जितने भी मौलाना आते थे दूर दूर शहर में जहाँ भी जाते थे, हम जाकर सुनते थे और रात को सुनकर आते थे, और सुबह दोस्तों की महफिल में वो पूरी तकरीर ऐसे सुनाते थे। जो मेरे बचपन के दोस्त वो आपको गवाही देंगे, ये हमारा शौक था तकरीर करना, और ये मेरे रब का करम है, मेरी माँ की दुआ है कि एक बार जिस मुकर्रर की तकरीर जिस अंदाज में सुनी, उसकी पूरी तकरीर उसी अंदाज में सुनाने की सलाहियत अल्लाह ने मुझे बचपन से दी थी। तो तुमसे भी कहता हूँ बेटा सुना करो और घर जाके सुनाया करो, हाँ इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकतें तुम्हें मिलेगी। तो हम उलमा के साथ बचपने से रहते थे, उनसे सुनते थे, उनको सुनाते थे, तो आप भी सुनो, सुनाओ बेटा उसकी बरकत मिलेगी। बात करने के लिए तो बहुत वक्त है ना, अभी महफिल खत्म हो जाएगी फिर बैठ जाना महाभारत लेके, जितनी करना है करना है यार, कौन मना करता है, लेकिन अभी तो मेरी सुन लो। अभी मुझसे नहीं सुनोगे तो तुम घर जाके सुनाओगे क्या? दुरूद शरीफ पढ़े, रब्बि सल्लि व सल्लिम अला हबीबिका खैर करके कुल। देखो चुप हो गए ना, ये बच्चे मेरी बहुत मानते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बच्चों करते हो ना मुझसे मोहब्बत तो कर, मेरी बात बहुत मानते हैं। जब कह दो अब चुप, सब बच्चे चुप, देखिए एक भी कोई कुछ नहीं बोलेगा इंशाल्लाह। इनके माँ बाप जब नहीं बोलते तो ये कैसे बोलेंगे, बात सब मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह खूब उरूज दे तुम सबको, खूब बुलंदियां दें अल्लाह ताला। एक खतीब नहीं तुम्हारे शहर में, हर बच्चा बड़ा होकर खतीब बने, सुन्नियत की खिदमत करे, मसलक की खिदमत करे। हाँ इंशाल्लाह हमारा शहर बहुत बड़ा होने वाला है, हमें बहुत मुकर्ररों की मुबल्लिगों की जरूरत है। अल्लाह तुम सबको सुन्नी दावत इस्लामी का मुबल्लिग बनाए, दीन का दाई बनाए, तुम्हारी जबानों में अल्लाह ताला बोलने की कुव्वत अता फरमाए। हबीब ने देखा, एक सवाल पूरा हो गया, इशारा किया चांद के टुकड़े, इशारा किया चांद जुड़ गया। अब हुजूर ने मुस्कुरा दिया, हबीब देख लिया ना, देख लिया ना जी, देख लिया, ढेर हो गया वो। हुजूर ने कहा अब दूसरा सवाल तू करेगा कि मैं खुद बताऊं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दूसरा सवाल तू करेगा कि मैं खुद बताऊं। हुजूर दिलों के हालात जानते हैं, हुजूर दिलों की कैफियत जानते हैं। हबीब ने कहा अगर आप ही बता दें तो बड़ा एहसान होगा। कहा तेरा सवाल भी बताता हूं, अब जवाब भी देता हूं। बोल तेरा दूसरा सवाल यही था ना कि तू जब घर से चला था, हाय हाय, जब तू घर से चला था तो जब तुझे खत मिला था, जब तुझे खत मिला था तो तू घर से चला था तो ये नियत लेके चला था कि पहला सवाल इम्तिहान के तौर पे पूछूंगा और उसका जवाब मिल जाएगा तो दूसरा सवाल अपनी बिगड़ी बनाने के लिए करूंगा। अगर वो नबी होगा तो उससे बिगड़ी बनवाऊंगा, क्योंकि नबी तो बिगड़ी बनाया करता है ना, नबी बिगड़ी बनाने के लिए आता है। मैं मफहूम के तौर पर अपने अल्फाज के जामे में बात कर रहा हूँ। हबीब सुन सुन, तेरा दूसरा सवाल ये है कि तेरे घर में तेरी एक बेटी है और वो बेटी आंख से अंधी है, उसके हाथ लूले हैं, उसके पैर लंगड़े हैं, वो चल नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, वो देख नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, उसके पूरे आजा माजूर है और वो तुझ पर बोझ बनी हुई है, तू चाहता है कि उस बच्ची को शिफा मिल जाए। बोल हबीब तेरा दूसरा सवाल यही है ना, तू शिफा चाहता है ना, शिफा चाहता है ना, बोल शिफा चाहता है ना। उसकी आंखों में आंसू आ गए, हाँ हाँ
हुजूर ने कहा बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ मुझे नबी मान मुसलमान हो जा और जा तेरी बेटी को शिफा मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, तेरी बेटी को शिफा मिल जाएगी। अल्लाह हू अकबर। हबीब का सवाल दिल में था, हुजूर ने कह दिया और हबीब ने सुन लिया। हबीब को पता था कि मेरा सवाल ये है, यमन में मेरा मसला नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्के में बयान कर रहे हैं। उसने कहा बिल्कुल यही सवाल है मेरा। हुजूर ने जा तेरी बेटी को शिफा मिल गई। उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल की और मक्के के उन गुंडों की सारी साजिश नाकाम हो गई और उन्होंने सोचा जिसको मजाक उड़ाने के लिए बुलाया था वो तो गुलामों में शामिल हो गया है, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। हबीब अकलमंद था, हक मान लिया। अबू जहल भागा और उसके साथ जो ईमान लाने वाले न थे, जिनके मुकद्दर में कुफ्र लिखा था, वो बदमाश गुंडे सब भाग गए। उन्होंने सोचा हम तो मजाक उड़ाने की बात कर रहे थे। अब हबीब से हुजूर ने कहा जा अब जल्दी जा घर जा और देख खुशखबरी। अब जैसे हबीब तेज रफ्तारी सवारी से गए ना, कह जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक दी, रात को पहुंचे दस्तक दी तो दरवाजा खुला, देखा जो बेटी को लंगड़ी लूली मुक्की गूंगी अंधी बैली छोड़ करके गए थे वही दरवाजे पे इस्तकबाल के लिए आई है, वही दरवाजे पे इस्तकबाल के लिए आई है। मेरे नबी के हाथों का मुइज्जा। हबीब ने देखा बेटी तेरी ये कैफियत कैसे हो गई, तेरा ये हाल कैसे हो गया। हबीब की बेटी ने कहा अब्बा जान आप जब मक्के गए थे ना तो एक रात ऐसा हुआ था मैं पड़ी थी सोती पड़ी थी, ऐसे में एक नूरानी चेहरे वाला काली काली जुल्फों वाला मस्तानी अखियों वाला जिसके वजूद नाज से खुशबू की लपेटें उठ रही थी वो आया और मेरे बिस्तर पे खड़ा हो गया। उसके आने से मेरा कमरा मुअत्तर हो गया, मेरा कमरा रोशनी से मुनव्वर हो गया और आकर के कहता है बेटी मैं वहां तेरे बाप को कलमा पढ़ा रहा हूं, तू यहां कलमा पढ़ ले और तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। वो आया और उसने अपना हाथ मेरे जिस्म पर लगाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आया और उसने अपना हाथ मेरे जिस्म पर लगा, उसका हाथ मेरे जिस्म पे क्या लगा, मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके हाथ की बरकत से मेरा जिस्म अच्छा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ा के इस्लाम अता कर रहा हूं, तू यहां कलमा पढ़ के मुसलमान हो। अब्बा जान मैंने कलमा पढ़ा उसका तो मुसलमान और मुसलमान हो गई तो मेरा जिस्म अच्छा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों का मौजजा ये है, ये हुजूर के कुल हाथ के 6 मौजजे हो गए। कितने हो गए? 6 मौजजे हो गए। लेकिन ये 6 पर बात मुकम्मल नहीं होती, और भी हुजूर के हाथों के। अब बताएं जब हाथों के 6 मौजजे हमने आज सुने, हजारों पढ़ सकते हैं बेशक बेशक, अगर वक्त रहा इंशाल्लाह किसी मौके पे तो आप सुनेंगे। देखो ये हुजूर के हाथों के मौजज़े, हुजूर के हाथ तो अपनी तरह बज़ाहिर हैं लेकिन हुजूर बल्कि जाहिर में भी अपनी तरह नहीं हैं, क्योंकि उनके हाथ बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत थे। इमाम अहले सुन्नत तो कहते हैं हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अगर वक्त वक्त खत्म हो गया है, टाइम हो गया है, इंशाल्लाह फिर किसी मौके से बात करेंगे। तो अपने नबी से अपने रिश्ते को मजबूत करो। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे, गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।